सो गाइस आईपीएल 2023 का ऑक्शन स्टार्ट होने में एक महीने का समय बचा हुआ है और गाइस आज के डेट में आपके लिए भर के खुशखबरियां निकल के आ रही हैं। अगर आप चेन्नई के फैंस हैं तो ये वीडियो अभी लेकर पूरा एंटायर तक दिखेगा, तभी आपको यहाँ पे खुशखबरी काफी अच्छी तरीके से मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे न्यूज काफी अच्छी निकल के आ रही है, रिपोर्ट काफी अच्छी निकल के आ रही है। काफी डिराइव करके वीडियो बनाता हूँ हमेशा, आपको पता है। तो आपको तीन काम जरूर करने हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे द येलो ब्रिगेड आर्मी और चेन्नई के फैन क्लब का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तीन काम कर दीजिए, ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करना है, दूसरा आपको करना है वीडियो को लाइक, और तीसरा हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन। ये तीन काम कर लेते हैं तो आप फैन क्लब का हिस्सा बन जाएंगे। सो गाइस फाइनली हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जो हम बात करने वाले हैं कुछ न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं, और गाइस यहाँ पे चेन्नई के कैंप से काफी बड़ी खबर निकल के आ रही है, अंदरूनी तौर पर काफी बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सुंदर रमन को फायर्ड कर दिया गया है। अब आपको सोच रहे होंगे कि आखिर ये सुंदर रमन है कौन, तो गाइस यहाँ पे इस शख्स को आप देख पा रहे होंगे, इस आदमी को आप देख पा रहे होंगे, ये चेन्नई के काउंसलिंग मेंबर थे, यानी कि वो खिलाड़ी जो कि डोमेस्टिक लीग में प्लेयर्स को ढूंढ के लाना, उनके पीछे बोली लगाना, उनके पीछे कितने पैसे लगाने हैं उसका अनुमान लगाना, सब काम इनका था। और इन्होंने पिछले बार के ऑक्शन में जो मेगा ऑक्शन हुआ था वहां पे अपने परफॉर्मेंस, जो इन्होंने स्काउट से अपने जो प्लेयर्स को ढूंढ के लाए, जो चीजें इन्होंने करी पूरी तरीके से वाहियात थी, एकदम घटिया इन्होंने काम किया था। और इन सभी चीजों को देखते हुए चेन्नई ने इन्हें फायर्ड कर दिया है। ये ज्यादा अच्छे खिलाड़ियों को ला नहीं पाए थे, इनफैक्ट चेन्नई के वही पुराने पुराने खिलाड़ियों को खरीद रहे थे, अच्छे यंग टैलेंट्स के पीछे ज्यादा रुपए लगा नहीं रहे थे। अगर बात करें डेवान ग्रेविस के पीछे 1 करोड़ गए फिर बैक कर लिया, तिलक वर्मा के पीछे 1 करोड़ गए फिर वापस लौटाए, ऐसे कई खिलाड़ी थे जिनके पीछे बोली लगाए और उसके बाद यहाँ पे वापस चले आए। और इन सभी कारणों के वजह से चेन्नई सुपर किंग ने देखते हुए इन्हें फायर कर दिया। और गाइस आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हट गए हैं तो चेन्नई के टीम में आएगा कौन। सो गाइस मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे PDOGG जो कि पीडॉग है, उनका नाम है प्रसन्ना, जो कि JSK यानी जोहानिसबर्ग सुपर किंग के ये एक तरीके से स्काउट मेंबर है, यही प्लेयर्स को ढूंढ के लाए थे। और जोहानिसबर्ग सुपर किंग की आप टीम देख पा रहे होंगे तो उनकी टीम काफी ज्यादा बैलेंस दिख रही होगी, उनके टीम में डेप्थ भी है, उनके पास अच्छे बॉलर्स भी है, यानी ओवर एंड ऑल इनकी टीम काफी अच्छी है प्रसन्ना के बलबूते पे। और बात कर लिया तो प्रसन्ना साउथ अफ्रीका की, जो कि एकदम गोल्डन एजेस चल रहे थे 2008 से लेकर 2016 के बीच में, ये साउथ अफ्रीका के साथ बीते और साउथ अफ्रीका की टीम उस समय आप देख पा रहे होंगे कितनी खतरनाक टीम थी, और उसकी स्काउटिंग जो करते थे वो प्रसन्ना ही करते थे, वहां पे इन्होंने एक्सपीरियंस को गेन किया है। उसके बाद बात किया जाए तो यहाँ पे चेन्नई जोहानिसबर्ग सुपर किंग का हिस्सा बने हैं, अब फाइनली वो चेन्नई सुपर किंग का हिस्सा बनने वाले हैं। पहले भी IPL में काम कर चुके हैं लेकिन अब चेन्नई सुपर किंग ने इन्हें हायर किया है, और ये चीजें काफी अच्छी आपको देखने को मिल रही होगी अगर आप चेन्नई के फैंस हैं तो, काफी यहाँ पे खुश जरूर हुए होंगे। तो भाई फाइनली बात करने वाले हैं अगले न्यूज के बारे में, और ये प्रसन्ना के बलबूते पे ही इस बार का जो ऑक्शन है वो काफी ज्यादा अच्छा जाने वाला है। हाँ गाइस, इस बार का जो ऑक्शन होने वाला है ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। 20 करोड़ 21 करोड़ का जो भी पर्स वैल्यू चेन्नई के पास है 25.5 करोड़ का, उतने में ही आप बेटर से बेटर खिलाड़ियों को चेन्नई की टीम में आते हुए देखेंगे, अच्छे से यहाँ पे महंगे खिलाड़ियों को भी आप देख सकते हैं, और इनकी टीम काफी बेटर बन सकती है, और ये सब हो सकता है प्रसन्ना के बलबूते पर। और प्रसन्ना के ही नाम पे मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, जो कि हमारे टीम मेंबर AJ है और बाकी जो लोग हैं उनको प्रसन्ना ने फॉलो भी किया होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यानी कि ये क्रिकेट धमाल के फैमिली जो भी मेंबर है उनका ये हिस्सा बन चुके, उन्हें फॉलोइंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली जो कि हमने ट्रेन चलाया था यहाँ पे सैम करन को लेके, उससे ये काफी ज्यादा प्रभावित हुए है और हमारी आवाज कहीं ना कहीं वहां पे जरूर पहुंचेगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको रोज 100 न्यूज मिलते हैं, जो भी खबरें आती है सबसे पहले वही पे मिलती है, और अब तो प्रसन्ना ने भी यहाँ पे फॉलो कर लिया, तो आप भी प्लीज कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो गाइस फाइनली में बात करने वाले हैं अगले न्यूज को लेकर, और गाइस ये न्यूज निकल के आ रही है चेन्नई का कोचिंग स्टाफ को लेके। हाँ गाइस, चेन्नई का कोचिंग स्टाफ यहाँ पे कुछ चेंज हो सकता है, चेन्नई के कोचिंग स्टाफ में 2 मेंबर्स ऐड हो सकते हैं। सबसे पहले सुरेश रैना बैटिंग कोच के तौर पे चेन्नई की टीम में शामिल हो सकते हैं, ऐसी न्यूज और रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, और दूसरे नंबर पे वॉटसन का नाम आ रहा है, यानी कि वॉटसन भी कहीं ना कहीं चेन्नई के साथ जुड़ते हुए नजर आ सकते हैं। और अभी बातें चल रही हैं और ये न्यूज अगर कंफर्म हो जाता है तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा, लेकिन ये अंदरूनी तौर पर ये बातें चल रही है, ये सब चीजें चलना स्टार्ट हो गया है, और वॉटसन और रैना
कहीं ना कहीं चेन्नई के साथ जुड़ते हुए जरूर से नजर आएंगे और ये चीजें आपको जल्दी होती हुई नजर आने वाली है। गाइस पहले तो बात करने वाले अगले न्यूज को लेके, और गाइस ये काफी अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है। स्टोक्स और सैम करने पे किनी एक खिलाड़ी के पीछे चेन्नई जाने वाली है, कोई एक खिलाड़ी चेन्नई की टीम में शामिल हो सकता है। चेन्नई वैसे तो दोनों खिलाड़ियों को पीछे जाने वाली है, क्योंकि धोनी ने पहले कह दिया है कि हम अपने जो कि सुपर किंग्स जो पुराने ऑलराउंडर्स थे उन्हें हम खरीदते हुए नजर जरूर आने वाले हैं। तो सैम करन के पीछे ये 100% जाने वाले हैं, और सैम करन नहीं मिलते हैं तो ये बेन स्टोक्स के पीछे जाने वाले हैं। यानी कि दो में से किन्हीं एक खिलाड़ियों के पीछे चेन्नई इन्हें अपने टीम में शामिल करने वाली है, येलो जर्सी पहनाती हुई नजर आने वाली है। और ये चीजें हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप में काफी कूल बात है, काफी बेटर बात है जो कि हमें दिखता हुआ नजर आ सकता है। और गाइस ये अंतिम न्यूज थी और यहाँ पे काफी अच्छी खबर थी जो कि निकल के आ रही होगी। और गाइस यहाँ पे आज के डेट में आपके लिए भर के यहाँ पे खुशखबरी पड़ी है, तो इसी बात पे आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों एक बार वीडियो एंड करते हैं।